दोस्तों, अगर आपका भी जयप्रकाश विश्वविद्यालय में एडमिशन है और आपका सेशन 2019 से 22 है, तो दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म और भरना स्टार्ट हो गया है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया एग्जामिनेशन फॉर्म TDC Part 1। यहाँ पे दोस्तों Part 1 का यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आप चाहे तो दोस्तों आप ऑनलाइन खुद से भी भर सकते हैं, आप चाहे तो मोबाइल से भी भर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो PC से भी भर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ डिस्प्ले पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे दो लिंक दिया गया है। तो दो लिंक से आपको क्या करना होगा मैं पहले आपको वो बताऊंगा। तो पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल विपिन। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको JP यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आना होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं jpbadmission.org, आप अपने इंटरनेट के ब्राउजर में लिखेंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। या फिर दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो लिंक दिया गया है जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म TDC Part 1 सेशन 2019-22 यहाँ पे देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर TDC Part 1 सेशन 2019-22। यहाँ पे दोस्तों दो लिंक दिया गया है, ताकि दोस्तों अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, अगर आप फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपको लॉग इन पर क्लिक करने के लिए बताया जा रहा है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर आपने पहले बार इस फॉर्म को भर रहे होंगे तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे नॉन कॉलेजेट रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों सिंपली आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिटेल्स मांगेंगे, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका फुल नेम, यहाँ पे यूजर नेम में दोस्तों आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कन्फर्म ईमेल आईडी डाल देंगे, यानी दोस्तों यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे आप वो ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल करके यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, आप जो ईमेल दिए होंगे उस पर एक मेल जाएगा, उस मेल पर आपको क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा वहाँ से। इसके बाद दोस्तों वहाँ पर जब अपना पासवर्ड बना लेंगे तो फिर दोस्तों आपका यहाँ पर एक अकाउंट बन जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट बना लेंगे यहाँ पर आप जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं क्लिक हेयर फॉर TDC Part 1 सेशन 2019-22 कॉलेजिएट लॉगिन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसके सामने आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना यूजर नेम डालेंगे या फिर आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ दोनों में से कोई एक डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आप जो पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ पे आप डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को भर के यहाँ पे भरेंगे, यहाँ लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा, तो आप वो फॉर्म भर लेंगे। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपका फॉर्म बहुत ही आसानी से भरा जाएगा। यहाँ पे TDC Part 1 का सेशन 2019-22 एग्जामिनेशन के लिए आप बहुत ही आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रहा होगा तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग का कमेंट रहा तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। सो इसके बाद भी दोस्तों आप लोग का मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।